श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन बल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा। और आपका श्रीनाथ जी हवेली में हार्दिक स्वागत। आज हम वार्ता करेंगे श्री महान आचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक प्रभु श्री बल्लभाचार्य के प्रागट्य की और उनके जीवन चरित्र की। भारत की भूमि परम भाग्यशाली रही है कि यहाँ भगवान की दिव्य विभूतियों का अवतरण समय समय पर होता रहा है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य का प्रागट्य भारत के धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। श्री बल्लभाचार्य ने भारतीय दार्शनिक चिंतन को समन्वयात्मक दृष्टि प्रदान की, भारतीय धर्म साधना को नया आयाम दिया तथा वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति धारा को अपूर्व विशिष्टता प्रदान की। आपके व्यक्तित्व कृतित्व सिद्धांत और साधना प्रणाली ने भारतीय जनमानस को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। श्री बल्लभाचार्य जी के पूर्वज आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित कांकरवाड़ स्थान के निवासी थे। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी और गोपाल कृष्ण के उपासक थे। बल्लभाचार्य जी के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट ने अपने परिवार में सोमयज्ञ की परंपरा आरंभ की। उन्हें भगवान का यह वरदान मिला था कि 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने पर मैं आपके परिवार में जन्म लूँगा, अवतार लूँगा। इस वरदान के सफल होने की प्रतीक्षा में इस परिवार में 5 पीढ़ियों तक सोमयज्ञों की अखंड परंपरा चलती रही। इस वंश में 5वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी का जन्म हुआ। ये भी अपने पूर्वजों के समान उद्भट विद्वान थे। इनका विवाह विजयनगर के धर्माधिकारी सुधर्मा की पुत्री इलम्मा गारू के साथ हुआ। इस दंपति के रामकृष्ण नाम का एक पुत्र और सरस्वती तथा सुभद्रा नाम की 2 पुत्रियां हुईं। इस समय तक श्री लक्ष्मण भट्ट 5 सोमयज्ञ पूर्ण कर चुके थे। इनकी पूर्ति के साथ ही इस वंश का 100 सोमयज्ञ करने का संकल्प पूरा हो चुका था। श्री लक्ष्मण भट्ट वृहद ब्रह्म भोज का संकल्प लेकर काशी आए। उनके मन में इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि अब 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो जाने पर इनके परिवार में भगवान का प्रागट्य होगा। श्री लक्ष्मण भट्ट काशी में हनुमान घाट पर एक मकान लेकर रहने लगे। उनका समय अध्ययन अध्यापन और शास्त्र चर्चा में व्यतीत होता था। काशी के बाद उच्च कोटि के विद्वानों में से उनका संपर्क था। उन्हीं दिनों एक बार काशी पर प्रबल मुस्लिम आक्रमण होने की आशंका बनी। लोग काशी छोड़कर भागने लगे। श्री लक्ष्मण भट्ट भी अपनी धर्मपत्नी इलम्मा गारू के साथ अपने मूल स्थान आंध्र की ओर चल दिए। उस समय इलम्मा गारू को 7 मास का गर्भ था। उनकी स्थिति प्रवास के लायक नहीं थी, किंतु काशी छोड़ना आवश्यक था, इसलिए वे अपने पति के साथ लंबे प्रवास पर निकल पड़ी। यात्रा लंबी और कष्टप्रद थी। इलम्बा गारू काफ़ी थक गई थीं, फिर भी प्रवास जारी रखना ही था, अतः वे चलती रहीं। संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को ये लोग मध्य प्रदेश के वर्तमान छत्तीसगढ़ रायपुर के पास चंपारण्य नामक स्थान पर पहुँचे। लगातार प्रयास के श्रम और थकान के कारण इलम्मा गारू को असमय में ही प्रसव वेदना होने लगी। इन्हें वहीं रुकना पड़ा। वहीं रात्रि के समय से पूर्व इलम्मा गारू को प्रसव हो गया। नवजात शिशु ना तो रोया और ना ही उसमें किसी प्रकार की चेष्टा ही मालूम पड़ी। रात्रि के समय अंधकार में उस बालक को मृतक मानकर वस्त्र में लपेटकर श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने वृक्ष के कोटर में रख दिया। श्री लक्ष्मण भट्ट और इलम्बा गारू जी ने 100 सोमयज्ञ पूर्ण होने पर भगवान के अवतार के दिव्य सपने संजोए थे, किंतु यह क्या हो गया? 100 सोमयज्ञ का फल मृत शिशु? वे अत्यंत दुखी हुए। अंततः वे उस अरण्य जंगल में आगे बढ़े और
निकट के गांव में जाकर विश्राम करने लगे। माता का हृदय तो मानो दुख से टूट ही गया था। उनका वात्सल्य भरा आस्तिक मन स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि 100 सोमयज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त देवी संतान मृत हो सकती है। उनकी आंसू भरी आंखों में नींद नहीं थी, किंतु लक्ष्मण भट्ट जी की झपकी लग गई। तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान कह रहे थे, जिस नवजात शिशु को आप मृत छोड़कर आ गए हैं, उसके रूप में तो मैं स्वयं ही तुम्हारे घर पधारा हूँ। लक्ष्मण भट्ट जी चौंक कर जग गए। उन्होंने लम्मा गारू जी से कहा, देवी दुखी मत हो, हमारा शिशु जीवित है। शिशु के रूप में भगवान ही पधारे हैं। चलो हम वहीं लौट चलें जहाँ शिशु को छोड़ आए हैं, उस देवी शिशु को लेकर आवें। दोनों चल दिए। वे उसी वृक्ष के पास पहुँचे। प्रभात होने को था। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उस वृक्ष के चारों ओर अग्नि कुंड के समान आग जल रही है। ममतामयी माँ ने आग की परवाह नहीं की और दौड़कर अपने शिशु को छाती से लगा लिया। शिशु जीवित और सकुशल था। माँ के स्तनों से दूध झरने लगा। वह बालक को छाती से चिपकाए हुए थी। उनके नेत्रों में हर्ष के अश्रु झर रहे थे। लक्ष्मण भट्ट भी आनंद मग्न थे। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी का अलौकिक दिव्य प्रागट संवत 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष 11 को हुआ। नवजात शिशु को लेकर पिता लक्ष्मण भट्ट और माता इलम्बा गारू चौड़ानगर गए। वहाँ के प्रमुख कृष्णदास आपके पूर्व परिचित थे। श्री लक्ष्मण भट्ट के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने श्री लक्ष्मण भट्ट का स्वागत किया। कुछ दिनों तक वे वहीं ठहरे। नामकरण संस्कार में बालक का नाम श्री बल्लभ रखा गया। वे कुछ दिनों बाद दक्षिण में अपने प्रदेश आंध्र की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें समाचार मिले कि काशी पर आया हुआ संकट टल गया है, इसलिए लक्ष्मण भट्ट ने पुनः काशी की ओर प्रस्थान किया। 6 मास की उम्र में श्री बल्लभ का अन्न प्राशन संस्कार हुआ। उस समय उनके सामने अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी गई। उन वस्तुओं में से शिशु बल्लभ ने खिलौने आदि वस्तुएं न उठाकर पुस्तक उठाई। इससे सभी उपस्थित व्यक्तियों ने यह अनुमान लगाया कि यह बालक भविष्य में असाधारण विद्वान होगा। बचपन में जब बच्चे मिलकर राजा चोर सिपाही आदि खेल खेलते थे, तब श्री वल्लभ गुरु बनते थे, यथा राजा और अन्य सभी को उपदेश देते थे। वे जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों और रसमय लीलाओं का वर्णन करते तो सभी भावमग्न हो जाते और सभी बच्चे पर उसका गहरा प्रभाव होता था। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर में अनेक चित्र थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं चित्रित थीं। इनमें एक चित्र रासलीला का भी था। बालक श्री बल्लभ इस रासलीला को चित्र को घंटों निहारा करते थे। भगवान की रासलीला के दिव्य भावों का श्री बल्लभ के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपने श्रीमद् भागवत पर लिखी गई अपनी सुप्रसिद्ध सुबोधिनी टीका में भगवान की रासलीला के दिव्य रहस्यों का को सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है तथा रासलीला को परम फल रूपा माना है। 8वें वर्ष की उम्र में श्री वल्लभ को यज्ञपवीत संस्कार हुआ। श्री वल्लभ ने व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद, वेदांत, पूर्वमीमांसा, योग, सांख्य, आगम शास्त्र, गीता, भागवत, पंचरात्र, शंकर रामानुज, मध्व, निम्बार्क आदि आचार्यों के मतों तथा विभिन्न दर्शनों का गहन अध्ययन किया था। आपने जैन, बौद्ध आदि के सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त किया। श्री लक्ष्मण भट्ट स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे और विभिन्न शास्त्रों के विद्वानों से उनका अच्छा संपर्क था। आपने अपने पुत्र श्री वल्लभ को विभिन्न शास्त्रों मर्मज्ञ विद्वानों के पास अध्ययन के लिए भेजा, जिससे कि उन्हें उन शास्त्रों का गंभीर और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो सके। सन 1490 संवत 1546 में जब श्री वल्लभ 11 वर्ष के ही थे, तब उनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट का देहावसान हो गया। उनके उत्तर कार्य संपन्न करने के बाद श्री बल्लभ ने अपनी माताजी के साथ काशी छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा करने का निश्चय किया, क्योंकि उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में मुस्लिम साम्राज्य था।
तथा दक्षिण में विजयनगर में शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ श्री बल्लव के मामा रहते थे। वे राज्य के दानाध्यक्ष थे। वहीं श्री बल्लभाचार्य अपनी माताजी को छोड़कर संपूर्ण भारत का भ्रमण करना चाहते थे। श्री बल्लभाचार्य ने 3 बार सारे भारत की यात्रा की। आप यज्ञोपवीत, मृगचर्म, दंड, कटिमेखला, तुलसी माला, तिलक, कमंडल, कोपिन, कटिवस्त्र, उपवस्त्र धारण किए हुए रहते थे। केश जटारूप थे। ये ब्रह्मचारी वेश में थे। पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनते थे। इन यात्रा को संप्रदाय के ग्रंथों में श्री बल्लभ दिग्विजय तथा पृथ्वी परिक्रमा के रूप में वर्णित किया गया है। इन यात्राओं से श्री बल्लभाचार्य को देश की राजनीति, सामाजिक, आधार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को जानने का अवसर मिला। ये यात्राएं उनके लिए एक ओर तो शिक्षाप्रद यात्राएं थीं और दूसरी ओर उनकी ज्ञान गरिमा के प्रचार प्रसार का व्यापक प्रभाव का कारण भी बनी। श्री बल्लभ काशी, बनारस से तीर्थराज, प्रयाग, चित्रकूट, अपनी जन्मभूमि चंपारण्य, अमरकंटक होते हुए वर्धा, वृद्धिनगर पधारे। वहाँ के धनपति के पुत्र दामोदर दास हरसानी आपके साथ चल दिए, जो कि जीवन भर छाया के समान साथ में ही रहे। वे अपने काका जनार्दन के पास अग्रहार पहुँचे। माताजी एवं परिवार को विजयनगर में अपने मामा के घर छोड़कर बाद की यात्राएँ आपके अपने पिताजी के कतिपय शिष्यों शंभू, स्वभू, विभू, स्वभू, केतु, कमंडल, लकुटा, लोकी तथा अपने शिष्यों दामोदर दास हरसानी और कृष्णदास मेघन के साथ की। कालांतर में श्री वल्लभ अपने शिष्यों के साथ प्रवास करते रहे। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी के प्रवास में 2 प्रसंग विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके कारण संपूर्ण भारत में आपकी आचार्य के रूप में कीर्ति फैल गई। एक प्रसंग जगन्नाथपुरी का है। जब श्री बल्लभ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए तो वहाँ एक विशाल धर्म सभा चल रही थी, जो 4 प्रश्नों पर केंद्रित थी। पहला, मुख्य शास्त्र कौन सा है? दूसरा, मुख्य देव कौन है? तीसरा, मुख्य मंत्र क्या है? और चौथा, मुख्य कर्म क्या है? तब श्रीमद् बल्लभ ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। श्री कृष्ण ही एकमात्र देव हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम ही एकमात्र मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। परंतु कुछ अहंकार में डूबे हुए विद्वान इस मत को मानने के लिए प्रमाण चाहते थे। कहा जाता है, प्रमाण प्राप्त करने के लिए कागज कलम दवात श्री जगन्नाथ जी के निज मंदिर में रख दिए गए और द्वार बंद कर दिए गए। थोड़ी देर बाद जब पट खोले गए तो कागज पर निम्नलिखित श्लोक लिखा हुआ था, जिससे बल्लभ द्वारा दिया गया निष्कर्ष प्रमाणित होता था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामनि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। श्री बल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक को अपने शास्त्रार्थ प्रकरण नामक ग्रंथ में भी उद्धृत किया है। आपने भी लिखा है कि भगवान श्री हरि ने संदेह की निवृत्ति के लिए स्वयं ही ये उद्धार व्यक्त किए हैं। इस प्रसंग से श्री बल्लभ को दार्शनिक, धार्मिक क्षेत्र में अत्यंत आदर के साथ देखा जाने लगा। दूसरा प्रसंग उस समय के गरिमा में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का है। श्री बल्लभ जब विजयनगर पहुँचे